भाई देश जनता हिंदुस्तान की, उनका धन्यवाद ये करना चाहूंगा जो उन्हें इस देश के प्रधानमंत्री पद पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। सर आपकी जो जीत हुई है प्रधानमंत्री का भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री जी को यहाँ मैं तीन शब्दों में श्री इस देश के प्रधानमंत्री उन्होंने सशक्त नेतृत्व एक मजबूत नेतृत्व इस देश को दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन इस प्रदेश को दिया, कार्यकर्ताओं की मेहनत को और समाज की एक सोच को जो देश के प्रति इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जिन्होंने 36 बरादरी ने दलगत राजनीति को छोड़कर हर मुद्दे को छोड़ दिया, जात पात के मुद्दे को छोड़ दिया, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ दिया, मैं सारा श्रेय उन लोगों को देता हूं। जी विपक्ष ने काफी आरोप लगाए मोदी जी पे भी और क्या क्या कहेंगे उनको? वो अपने अपने अंदर झांके, अपने कर्मों को देखें, जनता के बीच में जाएं, अपने पापों का प्रायश्चित करें, मैं तो यही कहूंगा। मुझे उनके साथ सहानुभूति है। एक आप किसी को एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर इस तरह की बात छींटा कशी करेंगे, ये हिंदुस्तान की जनता है, तो ये ऋषि मुनियों की स्थान है, यहाँ पर लोगों ने तप किए हुए हैं, यहाँ शहीदों ने अपनी शहादत दी हुई है, कुर्बानी दी हुई है, यहाँ के लोग इतनी आसानी से आपके झूठ के झांसे में नहीं आने वाले। 55-60 साल आपने गरीबी हटाओ की बात करते रहे, स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस ने लड़ा जीता उसके नाम पर आप राज करते रहे और आज 60 साल के राज करने के बाद आप बोलते हैं कि देशद्रोह अपराध नहीं है, हम सरकार बनाएंगे तो देशद्रोह की धारा को हटा देंगे। आज मैं ये कड़वी बातें इस खुशी के मौके पर करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उन भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि आत्मचिंतन करें। अभी ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम मशीन इनको याद आ जाती है, इस तरफ ध्यान ना करके आत्मचिंतन करें, अच्छे से लोगों के बीच में जाएं और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी पार्टी को विचारधारा को बनाए और फिर दोबारा मैदान जो विधानसभा के चुनाव है 90 विधानसभा के चुनाव कैसे देखते हैं आप? उसको मैं अच्छे से देख रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि अभी आज हम 75 विधानसभाएं तो आज ही जीत रहे होंगे रिजल्ट के अंदर, जब फाइनल रिजल्ट आएगा और उसको हम रिपीट करेंगे विधानसभा चुनाव के अंदर। सर एक सोनीपत में भूपिंदर सिंह हुड्डा की भी काफी बड़े मार्जिन से हार की ओर अगर सर निश्चित थी। आज जो बांटने की राजनीति करेगा कोई भी हो, चाहे वो हुड्डा साहब हो तो चाहे कोई और हो, जो बांटने की राजनीति करेगा उसको ये मुंह की खानी पड़ेगी। लोगों ने आईना दिखा दिया, मैंने तो बचपन से पढ़ा था, मैं म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन था, मैं कहता था कि समाज आईना है किसी भी राजनेता का, ये समाज ने उनको आईना दिखा दिया कि आप ऐसे हो, आप चाहे किसी भी भेष में आओगे लोगों ने आपको आईना दिखा दिया समाज। ये बहुत हरियाणा जो है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाईचारे को मानता है। आज जो पहले कुछ हुआ लोगों ने सारी चीज को समझा, आज उनको शीशा दिखाया कि आप क्या हो।